राम की दीवानी तो दुनिया भर में है, लेकिन राम के लिए ऐसी दीवानगी नहीं देखी होगी। हम बात कर रहे हैं रामनामी आदिवासियों की, जिन्हें न केवल राम के नाम से जाना जाता है, बल्कि उन्होंने खुद को राममय कर लिया है। पूरे शरीर पर राम का नाम गुदवाए, रामनामी पोशाक पहने और सिर पर राम नाम का ताज सजाए, ये जनजाति मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ से आती है, जो फिलहाल रामलला का जन्मदिन मनाने के लिए अयोध्या पहुंची है। वे रामनवमी तक राम जन्मभूमि अयोध्या में रहने वाले हैं, जहां वे भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी करेंगे। रामनवमी का शुभ अवसर से आया है, हम भजन कीर्तन करेगा। 5 दिन का हमारा कार्यक्रम है अयोध्या में, बहुत खुशी की बात है। और अयोध्या घूमेंगा, देखेंगा, दर्शन करेंगे, भजन करेंगे। हमारा ये राम राम चला रहा है, राम राम लिखा कर शरीर में, वो हमारे दादा लोग लिखाया थे। और हमारा 150 साल हो गया है हमको गाते भगते। हमारे जीते राम नामी आए हैं, ये छत्तीसगढ़ से 4 जिलों से हैं, ये रायपुर जिला, रायगढ़ जिला और बिलासपुर जिला मान लीजिए। हम लोग राम राम नाम लिखाकर हमारे पूर्वज से करीब 150 से 200 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है हमारी, और इसमें किसी प्रकार का जाति बंधन नहीं है। जो शुद्ध सात्विकी हो, भोजन में केवल शाकाहार लेता हो और किसी प्रकार का मादक द्रव्य का सेवन न करता हो, और मन से, वचन से, कर्म से राम राम में विश्वास रखता हो तथा किसी को पीड़ा पहुँचाने की चेष्टा न करता हो, और रामनामी बन सकता है और राम राम नाम लिखाकर भजन गा सकता है। हमारे पूर्वज करीब 150 से 200 सालों से राम राम का भजन करते हुए, शुद्ध शाकाहारी रहते हुए ये भजन करते हुए आ रहे हैं। उस परंपरा को अब हम निभाते हुए आज तक आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं। और अयोध्या में अभी रामनवमी के शुभ अवसर पर यहाँ भजन कीर्तन और पूरा अयोध्या दर्शन करने आए हैं। हमें बड़ी खुशी की बात है, जो कि आज धन्य मैं धन्यति यद्यपि सबविधिहीन, निज जन जानी राम रमोही संत समागम दीन। राम राम की हम धन्यवाद देते हैं, जो कि कृपा है, जो हमें आज उनकी कृपा से हमें यहाँ अयोध्या तक पहुँच पाए हैं। राम राम। इस जनजाति द्वारा पूरे शरीर पर राम नाम गुदवाने के पीछे एक विरोधाभासी घटना मानी जाती है। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले ऊंची जाति के लोग पिछड़ी जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे, जिसका विरोध करते हुए इस जनजाति ने पूरे शरीर पर राम नाम गुदवाना शुरू कर दिया। हालांकि वर्तमान में परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, लेकिन इस जनजाति द्वारा राम नाम गुदवाने की परम्परा आज तक चली आ रही है।